ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम चाइना के अग्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से चाइना के अग्रेशन के कारण इंडिया और ताइवान नजदीक आ रहे हैं। हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का लंबे समय से स्टैंड रहा है वन चाइना पॉलिसी। ये वन चाइना पॉलिसी क्या होती है? देखिए, वन चाइना जैसा कि नाम में है, एक ही चाइना के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो एक चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैप पर चलते हैं। ईस्ट एशिया रीजन पर फोकस कीजिए। ये कंट्री है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये छोटा सा आइलैंड है ताइवान। इसका ऑफिशियल नाम है, ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अब देखिए, चाइना वर्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी है और रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी है। वन चाइना पॉलिसी कहती है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज दी ओनली चाइना, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये चाइना का पार्ट है, ऐसा कहती है वन चाइना पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट भी ऑफिशियली इसी पॉलिसी को एडहेयर करती है। इसका कारण है कि इंडिया चाहता है चाइना के साथ रिलेशंस को स्टेबल रखना, एक पीसफुल नेबरहुड रखना, चाइना के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करना। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। अब देखिए, ताइवान को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ताइवान को चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है और इसी वजह से जब कभी भी ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात होती है तो चाइना बहुत ही अग्रेसिवली रिएक्ट करता है। हमने बात करी थी कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंस रहा है वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि वो चाइना को एंग्री नहीं करना चाहता है, एंटेगनाइज नहीं करना चाहता है चाइना को, नाराज़ नहीं करना चाहता है चाइना को। लेकिन अब जब चाइना अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, चाइना के अग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको बताऊँगा, तो जब चाइना अग्रेशन दिखा रहा है तो इंडिया और ताइवान के बीच में हमें पोटेंशियल कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके का शिफ्ट कह सकते हैं हम वन चाइना पॉलिसी में, एक माइनर शिफ्ट है। ऑफिशियल स्टैंस अभी भी वन चाइना पॉलिसी ही है, बट हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया और ताइवान थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइनाज अग्रेशन। तो इन अवे चाइना का अग्रेशन इंडिया और ताइवान को नज़दीक लाने के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हालांकि अभी भी इंडिया और ताइवान के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, दोनों के बीच में अनऑफिशियल टाइज हैं, अनऑफिशियल चैनल्स से बात होती है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होते हैं, कॉमन कंसर्न्स के ऊपर चर्चाएँ होती हैं, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, चाइना के बढ़ते हुए अग्रेशन के ऊपर बातचीत हो गई, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, एजुकेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शंस हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं इंडिया और ताइवान के बीच में, लेकिन ऑफिशियल फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और ताइवान के बीच में अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अनऑफिशियल टाइज हैं। तो इंडिया ताइवान के साथ अनऑफिशियल टाइज रख के दो फायदे लेता है। पहले तो अननेसेसरली अपने नेबर को प्रोवोक नहीं करता है, एंटेगनाइज नहीं करता है, और दूसरा ताइवान के साथ रिलेशंस, इकोनॉमिक टाइज और बाकी रिलेशंस एस्टैब्लिश कर पाता है। ऑफिशियल टाइज न होने के बाद भी इंडिया और ताइवान के बीच में लो लेवल मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की ताइवान के प्रति स्ट्रेटेजिक अप्रोच इवॉल्व हो रही है एक तरीके से बिकॉज ऑफ चाइनाज अग्रेशन, यानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इवॉल्व हो रहा है। इंडिया अपनी पॉलिसी को रिकैलिब्रेट कर रहा है ताइवान के प्रति। अब चाइना का अग्रेशन से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, फिर चाहे वो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स हों, उसके बुलिंग हो साउथ चाइना सी में, अग्रेशन हो, इंडिया चाइना बॉर्डर के अक्रॉस मिस एडवेंचर्स हों, हमने देखा था इंडिया के और चाइना के सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था, है ना, चाइना स्टार्ट करता है अग्रेशन वहाँ पर अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और या फिर हमने देखा हो कि नए मैप्स रिलीज करता है जिसमें एब्सर्ड क्लेम्स करता है, इंडियन टेरिटरी को अपना बताता है चाइना। तो इस तरीके के चाइना के अग्रेशन के कारण इंडिया की जो पॉलिसी है वो रिकैलिब्रेट हो रही है। अभी भी ऑफिशियल स्टैंड हमारा वन चाइना पॉलिसी ही है, बट हम ताइवान के साथ नज़दीकियाँ इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया का प्रयास रहता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए डिस्प्यूट्स का, ताकि जिन चीज़ों पर साथ में मिलकर काम करना है, जैसे ग्लोबल हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हो गए, ट्रेड हो गया, ये सफ़र ना करें। तो पीसफुल रेजोल्यूशन की कोशिश करता है इंडिया, इस वजह से अननेसेसरली प्रोवोक न करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो इंडिया अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा है, फिर वो डिफेंस का इंडिजनाइजेशन हो, इंडिजिनस प्रोडक्शन हो, या अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना हो, या अपनी मैरिटाइम प्रेजेंस को इंक्रीज करना हो, इंडिया फिर प्रिपेयर्ड है अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो। इंडिया अपने कंसर्न्स को प्रोएक्टिवली वॉइस भी करता है, चाइना को पूरी तरीके से बता देता है, उसके अग्रेशन को काउंटर करता है, और अपने इंटरेस्ट्स को, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए इंडिया लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट भी करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, क्वाड जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, इसे हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड असर्टिवनेस, कलेक्टिव सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया का कैलकुलेटेड असर्टिवनेस है ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में एंटर करना। अब ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए माइक्रोचिप्स या चिप सेमीकंडक्टर्स, चिप इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ताइवान, पूरा वर्ल्ड निर्भर है ताइवानीज चिप्स के ऊपर, तो इस वजह से ताइवान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। US और चाइना लगातार इंटेंस कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि किसी तरीके से ताइवान की चिप इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि माइक्रोचिप्स आर द न्यू ऑयल, ये बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है, इसी वजह से इसके लिए इंटेंस कॉम्पिटिशन है और इसी वजह से ताइवान की सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ग्लोबल टेक इकोसिस्टम की और कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। यदि ताइवान के अंदर इनस्टेबिलिटी आती है तो चिप प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाएगा और यदि ऐसा होता है तो इसके बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, केवल रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज तक सीमित नहीं रहेगा, इसके बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर चिप की शॉर्टेजेस हो जाएंगी, प्राइस हाइक्स हो जाएंगे, जॉब लॉसेस हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ का रोल आउट जो है डिले हो जाएगा। माइक्रोचिप्स हर एक चीज़ में इस्तेमाल की जाती है, आपके लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इवन मेडिकल इक्विपमेंट जैसे हार्ट के पेसर्स हो गए और वेपन्स के अंदर भी माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स है और आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो अगर किसी भी तरीके से ताइवान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, ताइवान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन जाता है, तो चिप प्रोडक्शन जो है ताइवान के अंदर वो डिसरप्ट हो जाएगा, जिसके वाइड स्प्रेड हमने बात करी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल सपोर्ट को रैली किया जाए ताकि चाइना को यूनिलैटरल एक्शंस करने से रोका जाए। एक तरीके का इंटरनेशनल प्रेशर चाइना के ऊपर बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी है इन केस चाइना अगर कुछ डिसाइड करता है कि ताइवान को अटैक करना या इन्वेड करना। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रैली करना पड़ेगा ताइवान की सिक्योरिटी के लिए। जैसा कि हमने बात करी कि भारत का लाइक माइंडेड पार्टनर्स जैसे कि जापान, US और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये इंश्योर करने में कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो किया जाए। इससे एक इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा चाइना के ऊपर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने का और चाइना के किसी भी अग्रेसिव मनूवर्स को डिटर किया जा सकेगा। इसके अलावा वाइटल एरियाज जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रेजिलियंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके हम इंडो पैसिफिक में रीजनल स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सकते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल प्रेशर का एक ब्लेंड बनाकर डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हम चाइना के अग्रेशन को डिटर कर सकते हैं।